एक दो तीन, लगातार हार की हैट्रिक हो चुकी है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की। और क्या चल रहा है मुंबई इंडियंस के खेमे में समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ये वही टीम है जिन्होंने SRH के सामने 246 रन बनाए थे, ऑल दो हार गए थे तब भी, लेकिन 240 से ऊपर का स्कोर बनाया था तब, और तब भी हार गए थे। लेकिन ठीक है, अभी इस वक्त पे अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट मैच खेला जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुआ, उसके अंदर 125 पे 9 20 ओवर बना पाई है मुंबई इंडियंस, ऑलमोस्ट आधे। ये कैसे हो सकता है? ये वही टीम थी क्या? वो वही बल्लेबाज थे? वही ईशान किशन थे? वही रोहित शर्मा थे? वही तिलक वर्मा थे? सब प्लेयर्स तो वही थे, लेकिन क्या बदला है समझ नहीं आ रहा है। माइंडसेट बदला है, क्या बदला है? कभी गेंदबाज फेल हो रहे हैं, कभी बल्लेबाज फेल हो रहे हैं, इस टीम के साथ क्या हो रहा है? एज अ यूनिट क्यों नहीं खेल पा रही है? ये सबके जहन में सवाल चल रहा होगा, और आई गेस आप सभी लोगों को जवाब भी इसका पता ही होगा, क्योंकि जो ओवरऑल माहौल बना हुआ है शायद से वो एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। दैनिक जागरण का एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके ऊपर, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ऐसा बोला जा रहा था कि वहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए जिसके अंदर रोहित शर्मा एंड हिज कंपनी, जो मतलब बेसिकली उनके इर्द गिर्द जो रहते थे, जो उनके फेवरेट थे, फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह या फिर सूर्य कुमार यादव तो खैर अभी है नहीं, वो भी उसमें शामिल था नाम, और तिलक वर्मा है एंड देन नेहल वडेरा भी, और उस तरफ दूसरी तरफ है ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, और बाकी जो कोचिंग स्टाफ है और जो सपोर्ट स्टाफ है वो। तो अब ये कितना ज़्यादा सही है रिपोर्ट या नहीं है वो तो एक सवाल रहेगा, और उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं दे सकते, लेकिन अगर ये बात उठी है इस तरह से तो कुछ तो बात होगी। अगर ये बात है तो बात तो होगी, तो इस चीज़ के बारे में तो अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट्स जस्ट अ फूड फॉर थॉट कि ये चीज़ भी हो सकती है। एंड युवराज सिंह ने भी एक बार कहा था जब उनसे पूछा गया था कि 2011 की टीम में क्या खास था, तो युवराज सिंह ने कहा था कि जो टीम का माहौल था ड्रेसिंग रूम में वो बहुत खास था, वो बहुत अच्छा था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप चाहे बेशक से कुछ भी कर लो, चाहे आप दुनिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज ले आओ, प्लेयर्स ले आओ, लेकिन अगर आपकी टीम का माहौल अच्छा नहीं है तो आप बतौर टीम नहीं खेल पाओगे, डिलीवर नहीं कर पाओगे, और आप जीत नहीं पाओगे। एंड जो टीम का कल्चर था उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया था युवराज सिंह ने कि जो ओवरऑल टीम कल्चर की वजह से हम जीते थे वहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा खुश रहते थे सब लोग, और सब लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, केयर करते थे, और बहुत प्यार करते थे एक दूसरे के साथ, तो बहुत ब्रदरहुड था वहाँ पर। एंड ये चीज़ शायद से कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है अब उस वन फैमिली से जो कि मुंबई इंडियंस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, जिस तरह से जो ट्रेड हुआ है हार्दिक पांड्या का, रोहित शर्मा कप्तानी से हटाए गए, फिर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी है, इन सब चीज़ों के बीच में फिर इतनी ज़्यादा हार्दिक पांड्या को हेट्रेड मिल रही है, एंड ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो सिनेरियो है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उस तरफ भी समझ में आ रहा है कि जो परफॉर्मेंसेज है क्यों नहीं निकल के आ रही है। एक साल पहले, दो तीन साल पहले तक भी कैसे परफॉर्मेंसेज आ रही थी बेहतर, लेकिन इस साल परफॉर्मेंसेज बहुत अलग लग रही हैं। अभी तक जो कि तीन मैचेस हुए हैं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी बहुत ही ज़्यादा साधारण लगी है, उसके साथ चाहे आप बॉलिंग चेंज की बात करो, फील्डिंग प्लेसमेंट्स की बात करो, नहीं समझ में आ रहा वो कैसे कर रहे हैं, उसके बाद बैटिंग में भी कभी नीचे आ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी ऊपर आ रहे हैं अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली ये मुंबई इंडियंस की टीम कर क्या रही है, और किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरह से ये ओवरऑल टीम को चलाना चाहते हैं। ये एक सवाल बना हुआ सबके जहन में, सवाल बना हुआ कि इस मुंबई की टीम का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये इस बार टॉप फोर में जाएगी भी या नहीं जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, बिकॉज जिस तरह से अभी तक माहौल चल रहा है, हमें पता है मुंबई इंडियंस बाद में कमबैक बहुत अच्छा करती है, लेकिन क्या रोहित शर्मा थे ना उस टाइम कप्तान, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ऐसा हो सकता है नहीं, ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि रोहित शर्मा अब बतौर कप्तान तो नहीं है, और बतौर प्लेयर, बतौर सीनियर प्लेयर तभी वो अपना इनपुट दे पाएंगे अगर हार्दिक पांड्या वुड बी वेलकमिंग टू दैट, कि अगर हार्दिक पांड्या ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है रोहित शर्मा का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा कुछ भी बोलने का। अगर सचिन तेंदुलकर थे वहाँ पे और MS धोनी थे, तो ऑब्वियसली बात है कि MS धोनी डिस्कशंस करते थे सचिन तेंदुलकर के साथ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो टीम थी वो जीतती भी थी आगे, बिकॉज जो एक्सपीरियंस है उसका कोई रिप्लेसमेंट आप लेकर आ नहीं सकते हो। जिस प्लेयर ने आपको 5 ट्रॉफी जितवा कर दिया उसके पास कुछ ना कुछ तो वो होगा ना एलिमेंट जो उनको वो बनाता था, रोहित शर्मा इसीलिए थे, तो वो कप्तानी जो थी वो सबके बस की बात नहीं होती है शायद से, ये बात भी समझ में आई जाएगी सबको। लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए लीडर सब क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, बट अगेन हम इंडियन फैंस हैं, और अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म करते हैं और मुंबई इंडियंस वापस पटरी पे आ जाती है और जो उनका जीत का कारवाई है वो शुरू हो जाता है, हम सब भूल जाएंगे, सब चीज़ें भूल जाएंगे, सब माफ हो जाएगी, और ऐसे ही है इंडियन फैंस का प्यार। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुंबई इंडियंस का खेमा ऐसे ही खेलता रहेगा, और कब तक वो जो ड्रेसिंग रूम में कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे? अगर ऐसे ही रहा तो आगे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज और भी ख़राब देखने को मिल सकती हैं। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस के खेमे में सच में कुछ चल रहा है अंदर, ड्रेसिंग रूम में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर ये बस सिर्फ मोमेंटम की बात है, एक बार गेन करेंगे तो आगे बढ़ते रहेगी मुंबई इंडियंस की टीम? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।